हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं शिवम, आप देख रहे थे शिवम द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा एंड कमेंट करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए राइट हैंड पर जो एक घंटी का बटन आता है उसको आपको दबाना होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होता है ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा या किसी भी यूट्यूबर के लिए आपको नई वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 दिन से चीज़ को देख रहा था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली मेरे चैनल पे, और मुझे लगा कि यार ये मुझे पता करनी चाहिए। जब मैंने चीज़ों को पता किया, चेक किया, तब जाके मुझे ये चीज़ पता चली एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं। जैसे कि टॉपिक आपने देख लिया होगा कि व्यूज़ क्यों डाउन हो रहे हैं, ये सभी यूट्यूबर्स के साथ में है। आज मेरा वीडियो देख लो, मेरे 10 दिन पहले का वीडियो देख लो, या किसी यूट्यूबर का आज का वीडियो देख लो, और 2 हफ्ते पहले का वीडियो देख लो, या 4 दिन पहले का वीडियो देख लो, आपको ऑटोमेटिक उसके व्यूज़ डाउन देखेंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्यूज़ डाउन क्यों हैं या क्यों नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि व्यूज़ डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके वीडियो को प्रमोट ना होना, यानी कि वीडियो आपका नहीं चल रहा है। अब ये सोचेंगे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वीडियो चलता है। मुझे पता है कि मेरा वीडियो अलग अलग कंट्रीज में देखा जाता है, भले ही मेरे व्यूज़ कम आते हैं तो वो चीज़ अलग हो गई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि वीडियो में व्यूज़ कम होने के, जो व्यूज़ डाउन होने के जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो ड्यू टू कोविड-19। अब आप ये सोचो कि कोविड-19 का व्यूज़ डाउन होने से क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या ना ओमिक्रॉन वेरियंट चल रहा है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन था। लॉकडाउन इन द सेंस जैसे स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, या आप कह सकते हो ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब स्कूल जो सबसे, जो आप कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की जो एज होती है, मतलब आज की डेट का अगर हम लोग एक टेंटेटिव ग्राफ निकालें तो वो आपको मिलेगा 15 से 25 साल जो मोबाइल पर ज़्यादा टाइम निकालते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, अभी बच्चों के स्कूल बंद थे तो वो घर से बैठ के सेल फोन पे अपना होमवर्क जो भी है उनका वो कर लेते थे, उसके साथ साथ वो यूट्यूब पे भी टाइम पास कर लेते थे, वो ऑडियंस आपकी ऐड हो रही है। ठीक है, धीमे धीमे क्या हुआ, अभी कुछ एक हफ्ते पहले कुछ स्टेट्स में, इंडिया में या अदर कहीं पर भी आपके तो लॉकडाउन हटना स्टार्ट हुआ, स्कूल कॉलेज दोबारा से खुले। तो जब स्कूल कॉलेज दोबारा से खुले हैं तो उसमें क्या हुआ कि वो जो ऑडियंस है वो आपकी डाइवर्ट होगी अपने काम में, उनके पास मोबाइल बहुत ही सीमित समय के लिए आ गया, सीमित टाइम के लिए आ गया, जिससे आपके व्यूज जान आना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से कुछ ऑफिसेस खुलना स्टार्ट हो गए तो वो अपने जॉब पे जाने लगे। ठीक है, उनके पास एक लिमिट टाइम रह गया, 9 to 5 की जॉब है या उनका कुछ अलग टाइमिंग है, अलग शिफ्ट करते वो करते हैं, जिस तरीके से आपके व्यूज यहाँ पे वो जो ऑडियंस है वो आपकी कट हो गई। लेकिन ऐसा ये रेगुलर नहीं रहेगा कि आपके व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं तो 2 महीने बाद भी नहीं आएंगे या 10 दिन बाद नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि YouTube बीच बीच में अपना एल्गोरिथम भी चेंज करता रहता है। ठीक है, जब YouTube का एल्गोरिथम चेंज होता है उसके साथ साथ आपके व्यूज़ भी डिपेंड करते हैं कि आपके व्यूज़ कैसे अप जाएंगे, कैसे डाउन जाएंगे, आपकी कैटेगरी क्या है, ब्लॉगिंग का है, टेक का है, गेमिंग का है, म्यूज़िक का, व्हाटएवर आप बनाते हो तो उस पे आपका डिपेंड करता है। तो जैसा कि व्यूज़ डाउन होने का मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ड्यू टू कोविड-19 चीज़ें सही नहीं चल रही थी और अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते पहली चीज़ पे, क्योंकि ना तो वायरस ख़त्म हुआ है और ना ही उसके जाने का डर है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि व्यूज़ बढ़ेंगे। अब व्यूज़ बढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप लॉकडाउन लगवा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। धीमे धीमे जब चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी तो फिर उसी एक जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर यूट्यूब दोबारा से लौट आएगा। क्या करेगा, आपका वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करेगा जो आपकी वीडियो की कैटेगरी को पसंद करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए जिनके लिए आपका कम ग्राफ जाएगा, जो घर में रहते हैं उनके लिए, वो उन यूट्यूब को सब कुछ पता होता है कि आपका जो वीडियो है वो किस एज ग्राफ में प्रमोट करना है। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से जो व्यूज डाउन हो रहे हैं उसका मेन रीज़न सबसे बड़ा जो मैंने स्टडी की है, वो जो मुझे पता चला है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बता दूँ, YouTube के बारे में लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है, एक परसेप्शन बन जाता है कि हम YouTube पे चैनल बनाएंगे, बहुत सारा पैसा अर्न करेंगे और हम लाखों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। सो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपकी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है। अब आप सोचोगे कि ये बोल रहा है कि ये YouTube से पैसा नहीं कमाता है या पैसा नहीं मिलेगा, ये सोच गलत है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि YouTube पे अगर आप काम करोगे तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, उसमें आपका खर्चा भी होगा।
ठीक है, आप डायरेक्ट YouTube पे डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते किसी भी कीमत पे। अब आप सोचोगे कि YouTube पे डिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप सपोज़ करो मेरा अपना एक ब्लॉगिंग का चैनल है, ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ अभी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ बना के, क्योंकि मुझे पता था ये बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है तो उसमें आपको ब्लॉगिंग के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। कुछ खर्च का मतलब समझ रहे हो ना, सपोज़ आपको किसी भी चीज़ को कवर करना है, सपोज़ करो आपको कहीं मंदिर पर घूमने जाना है, किसी पार्क में घूमने जाना है, तो आप जब आप घर से निकलोगे तो आपको ऑटो रिक्शा बस बाइक कन्वीनस आपका लगेगा। कन्वीनस लगने के बाद आप वहाँ पर जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ खरीदोगे, वो आपका खर्चा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना एक अर्निंग सोर्स डेवलप करना है मंथली का। मंथली के अंदर सेंस ये है कि सपोज़ करो आपने एक 10,000 की जॉब ले ली या 2,000 की जॉब ले ली, सपोज़ करो आपको पता है कि आपको महीने के आखिरी में 10,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, और 10,000 मिलने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि मतलब ये खर्चा मैं कैसे कैसे करूँगा। लेकिन YouTube पे ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि आपको महीने में इतना मिलेगा। YouTube पे डिपेंड करता है कि आपका चैनल कितना प्रमोट हो रहा है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, इस पे डिपेंड करता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप YouTube पे बिल्कुल डिपेंडेंट शुरुआत में नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कमाई का जरिया अपनाना होगा, कमाई का जरिया बनाना होगा, क्योंकि अगर आप एक YouTube का सेटअप डाल रहे हो तो उसके पहले आपको अपनी बैकबोन थोड़ी सी मजबूत करनी होगी, ताकि आप YouTube पे काम करने के लिए अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर चुको, ठीक है। जैसे कि आप, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने मोबाइल वोबाइल सब कुछ आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चाहिए पैसा, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपके पास आपकी अर्निंग से, जो आप कहीं जॉब कर रहे हो, या आपके पास अच्छा खासा पैसा तो आप कर सकते हो, वो एक अलग फैक्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा कि पहले तो अपनी आप जॉब है उस पर कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप अपने खाली टाइम में, जैसे कि सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, या जो 9 to 5 की जॉब करते हैं उनके पास 4 to 5 घंटे रहते हैं, या एक छुट्टी मिलती है उसमें आ जाके कोई ना कोई वो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जॉब भी चलती रहेगी, प्लस आप YouTube पे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। जैसे जैसे आपको ये लगे कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, मेरा कंटेंट मार्केट में अच्छा चल रहा है, YouTube के प्लेटफॉर्म पर अच्छा चल रहा है, तो आप ऑटोमेटिक अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो, या आप टाइम मैनेजमेंट करके उसको भी कंटिन्यू पैरेलल लेके चल सकते हो, ठीक है। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है यूट्यूब के जो व्यूज़ डाउन हो रहे हैं उसके लिए, प्लस आपको यूट्यूब पे सेटअप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहेगा। आप देख रहे थे शिवम द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल।